हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये शेयर फाइनेंस की इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन इसमें बहुत ज़बरदस्त करेक्शन चल रही है। तो हर किसी का यही क्वेश्चन आ जाता है कि ये गिरावट जो है वो कब रुकेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि रिजल्ट इसका बहुत पास है, और क्या वो रिजल्ट इस गिरावट को रोक पाएगा, ये देखने वाली बात है। चलिए जानते हैं स्टॉक के बारे में थोड़ा बेसिक, और इसकी गिरावट और रिजल्ट की डेट भी देखते हैं इस छोटे से वीडियो में। मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो 1,90,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और प्राइस देखिए 3,200 के लेवल पे आ चुका है, और पी रेशियो 48 के आसपास है। डेट कंपनी के ऊपर तो होगा, फाइनेंस की शेयर है, अर्निंग पर शेयर 67 के आसपास है। और स्टॉक के अगर रिटर्न रेशियोज देखें तो इक्विटी पे जबरदस्त 22% का रिटर्न है, सेल्स ग्रोथ 33% की है। स्टॉक फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक लगेगा, और काफी लोगों का फेवरेट शेयर भी है बजाज फाइनेंस। लेकिन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, गिरावट गिरावट बिल्कुल जबरदस्त चल रही है, और रेगुलर बेसिस पे गिरावट आ रही है। ऑल्दो ये देखिए थोड़ा सा जंप जरूर देखने को मिला था ट्यूसडे यानी कि 23 जुलाई की डेट को। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है बजाज फाइनेंस के स्टॉक की। ये स्टॉक देखिए कहाँ पे 3,700 के लेवल से हाई बना के नीचे की तरफ को मूव कर रहा है। 2 हफ्ते में स्टॉक ने देखिए जबरदस्त करेक्शन दिखाई, अब तीसरा हफ्ता थोड़ा पॉजिटिविटी शो कर रहा है यहाँ पे ये, और अपनी ट्रेंड लाइन जो इसकी अक्टूबर से लेकर अब तक की ट्रेंड लाइन है उसको टच करके वापस जाने की कोशिश कर रहा है। एक हैमर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट है छोटे टाइम फ्रेम में कैसा दिखता है। अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में देखूँ तो इसी तरीके से अक्टूबर में भी एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी, जो कि इस गिरावट से काफ़ी बड़ी थी, और शेयर ऑलमोस्ट 30% के आसपास करेक्ट हुआ था। लेकिन इस बार इतना बड़ा करेक्शन नहीं है, और उम्मीद है कि यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा। लेकिन अगर बाउंस बैक यहाँ से नहीं होता और गिरावट आती है तो इसका इमीडिएट सपोर्ट देखिए 2800 के रेंज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है, और नीचे जो इसकी एग्जिस्टिंग ट्रेंड लाइन है उसका सपोर्ट जो है वो 2400-2500 के रेंज में है। फिलहाल की डेट में अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा करके डेली पैटर्न में देखता हूँ तो ये देखिए आप, कल की डेट में थोड़ा पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिली है। लेकिन मैं कहूँगा अभी रिजल्ट के बाद ही काफ़ी कुछ क्लियर हो पाएगा, अगर रिजल्ट अच्छा रहता है और नीचे फिर यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। लेकिन इस स्टॉक के गिरने का कारण इसके मैनेजमेंट ने जो कहा था कि क्या कहते हैं, थोड़ा सा फ्यूचर अच्छा नहीं दिख रहा है, वही इसका मेन रीजन था कि आगे अर्निंग कम हो सकती है, जिसके मैनेजमेंट ने कहा था बजाज फाइनेंस के, तभी स्टॉक में करेक्शन लगातार चलता रहा था। और अभी के टाइम पर अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट देखिए 25 जुलाई की रिजल्ट की डेट है, यानी कि कल ही, आज 24 जुलाई है, कल 25 जुलाई को इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा इस रिजल्ट के ऊपर। चलिए आपने ये देखा बजाज फाइनेंस की डिटेल, रिजल्ट की डेट, टेक्निकल देखे, इसके फंडामेंटल देखते। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।